This conference will now be recorded. Assalamu alaikum, bachcho awaaz aa rahi hai? Can you hear? Okay, great. So, kal humne pehle 5 chapters cover kar liye apne. Prior, the major portion of management is now discussed. IT ka ek portion hai jo ke business decision mein bada important role play karta hai. Organizations IT ko use karti hain, IT se hasil hone wale jo benefits hain unko use karte hue business ko improve karti hain, especially when they have to make some critical decision. So information technology plays a very pivotal role towards business decision making. चीजें कुछ मैंने स्ट्रीमलाइन करवाई हैं आज इंशाल्लाह वो टेस्ट भी आपके मिल जाएंगे आपको चेक होके फोर्थ चैप्टर का टेस्ट भी आज अपलोड हो जाएगा आपके एलएमएस के ऊपर तो वो चीजें भी थोड़ी सी आज स्ट्रीमलाइन होपफुली हो जाएंगी एमआईएस चैप्टर का टाइटल है दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा हो गया अपलोड चलें दैट्स ग्रेट दैट्स वंडरफुल अब अब्रार की कॉल आई थी मुझे तो आई इंस्ट्रक्टेड हिम नेक्स्ट वीक से आपके मिड टर्म भी स्टार्ट हो रहे हैं मिड टर्म के लिए आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड इनफैक्ट आई रिक्वेस्टेड मिशाल कि वो नेक्स्ट वीक में किसी दिन बिफोर योर मिड टर्म मैं अनाउंस करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे आई आस्क योर पीपल टू बी ऑनलाइन फॉर लाइक 10-20 मिनट्स तो फिर हम मिशाल के साथ एक क्विक डिस्कशन करेंगे सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड और कैन नो दैट आज ये सारा पढ़ा दूँ कल आप दे दूँ अच्छा चले हाँ वैसे टॉपिक तो पहले भी पढ़ा हुआ आपने रिवीजन ही है सो कॉल्ड इट इज़ नॉट समथिंग विच वी हैव टू कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच ये भी आप टॉपिक्स देखेंगे तो यू विल सी कि आईटी की किताब में सारे टॉपिक्स आप पहले पढ़ के आ चुके हैं ठीक है वी कैन डू दैट आई विल कंप्लीट द टॉपिक एंड देन वी कैन कॉल टुमारो ऑफ ताकि आप फिर रिवीजन पे फोकस करें मिड टर्म की तैयारी करें ठीक है ओके सो 11 चैप्टर इज ऑल अबाउट एमआईएस एमआईएस इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं पहला पार्ट जो है दैट टॉक्स अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पहला पार्ट है इसका जो पोर्शन एक पोर्शन नॉट ऑल ऑफ इट इसका एक पोर्शन आपका आईटी का है और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज स्पेसिफिक आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं उनका क्या रोल होता है ये टोटल 10 सिस्टम्स हैं टोटल और इन 10 में से पेपर में एक तो मैंडेटरी आता है लाजमी आता है आउट ऑफ दीज 10 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वन इज मैंडेटरी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन एग्जामिनर एक को जरूर टेस्ट करता होता है तो ये भी हम डिस्कस करेंगे बट दैट वुड बी आफ्टर मिड्स या मिड्स के बाद करेंगे हम लोग इंशाल्लाह बट से पहले हम इसका पहला पोर्शन कवर करने जा रहे हैं ओके सो पहले पोर्शन में मैंने आपको कहा था ये पांच छह टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं सो दीज आर लाइक 5 or 6 टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे और इन टॉपिक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट आर कंप्यूटर्स होते क्या है कंप्यूटर्स डिवाइसेस क्या होते हैं कंप्यूटर्स के इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस And then we are going to talk about networks. Okay? So yes, we can. But it's not a lengthy topic. नहीं है. इसे हम जल्दी से आज ही कर लेंगे. और आज की डेट में हम इसे डिस्कस करके फिर कल हम क्लास कॉल ऑफ कर देंगे. As soon as you are going to return from your midterm exams, फिर हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे. वालेकुम अस्सलाम बेटा. और फिर उसके बाद हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे. इस चैप्टर को यहाँ पे प्लेस करने के दो मेन पर्पजेज हैं पहला पर्पस तो डेफिनेटली ये है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में ये वाहिद चैप्टर है पूरी किताब का जो आपसे 15 मार्क्स प्रॉमिस करता है आप अगर अपनी ग्रिड को देखें तो ग्रिड में सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो पार्ट ए है 25% इन योर एग्जामिनेशन पार्ट ए से आते हैं और पार्ट ए में दो चैप्टर्स हैं तो अगर आप एवरेज निकाल लें तो फिर भी 12.5 मार्क्स ईच 1 and 2 में से आते हैं पेपर में वो भी अगर एग्जामिनर इक्वल डिवीजन करे बट वी आर नेवर श्योर कि एग्जामिनर डिवीजन कैसी करेगा उसमें से ये भी पॉसिबल है कि एग्जामिनर सारा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का दे दे और सेकंड से कोई क्वेश्चन ना करे और ये भी मुमकिन है कि एग्जामिनर सारा क्वेश्चन सेकंड से दे दे फर्स्ट में कोई क्वेश्चन ना करे
लेकिन 11 चैप्टर में तो ये श्योरिटी है कि 15 नंबर तो इस चैप्टर में से आने ही आने, मैंडेटरी आने, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट वी कॉल फॉर। और ये मेमोरी बेस्ड मार्क्स हैं, इसमें सिंपल आपने रिप्रोड्यूस करना है टॉपिक को, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड यू सिंपली हैव टू रिप्रोड्यूस इट टू जस्ट यू नो स्कोर इट, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली डेटा लेता है आपसे इनपुट की शक्ल में, उसे प्रोसेस करता है और यूजफुल आउटपुट देता है आपको, सो दैट यू कैन गेट सम डिसीजन मेकिंग। चार कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट डिवाइसेस जो फैसिलिटेट करते हैं डेटा इंफॉर्मेशन को, लाइक कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, लाइक प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, एलईडीज हैं। सीपीयू होता है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है ये आपके जो भी डेटा आप देते हैं कंप्यूटर को, उसको ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। एंड देन यू हैव सम स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आपके डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इसमें आप स्टोर करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, इट इज़ बेसिकली द कंप्यूटर इट्सेल्फ, जो पूरा सिस्टम होता है कंप्यूटर का वो, और फिर उसके पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिन्हें आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, इधर फॉर इनपुट और फॉर आउटपुट और फॉर स्टोरेज, जैसे प्रिंटर हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एक्सटर्नली। कंप्यूटर आईटी के अंदर इसकी बड़ी मुख्तलिफ किस्में मौजूद हैं, वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर, रेंजिंग फ्रॉम वेरी लार्ज सुपर कंप्यूटर्स टू वेरी स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर। स्मार्टफोन्स भी आपके कंप्यूटर्स हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है पेपर में, आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। लाइक सबसे पहले होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, आई होप ये सारी टाइप्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं दे आर द लार्जेस्ट सिस्टम्स। नॉर्मली ये इस्तेमाल होते हैं आपके डिफेंस सिस्टम में, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम मैनेजमेंट में, या इनको हम यूज़ करते हैं एरोस्पेस में। नासा माइट बी यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स व्हेन नासा सेंड सम सैटेलाइट्स और सम स्पेस शिप टू द स्पेस, तो नासा यूज़ करता है सुपर कंप्यूटर्स। फिर मेन फ्रेम होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स, वेरी लार्ज, टिपिकली फाउंड इन मल्टी नेशनल कंपनीज एंड लाइक एयरलाइन और ऑयल कंपनीज। नॉट एज पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर बट स्टिल दे आर इनक्रेडिबली पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल। MNCs, डिफरेंट बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, ये पूरे पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस को मैनेज करने के लिए दे माइट बी यूजिंग अ सुपर कंप्यूटर। फिर होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स एज नाम मिनी है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट पोर्टेबल। मिनी कंप्यूटर्स सर्व लाइक सर्वर्स, ये सर्वर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HBL की एक ब्रांच है, उसका एक मेन सर्वर होगा, दैट माइट बी अ मिनी कंप्यूटर। लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम बट स्टिल नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं इसकी एग्जाम्पल होती है सर्वर्स, जो सर्वर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर द मिनी कंप्यूटर्स, इन्हें हम मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। देन वी हैव डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। हाँ, बिल्कुल, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं दे आर लाइक अ रूम ह्यूज कंप्यूटर, पूरे कमरे जितने होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर लाइक अ कंप्लीट रूम। ये मेन फ्रेम नजर आया होगा आपको, ये मेन फ्रेम होते हैं फ्रिज की तरह बड़े बड़े, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स आर जस्ट लाइक यू नो नॉन पोर्टेबल लार्ज कंप्यूटर्स, बट दे आर यूज एज सर्वर्स, इन्हें हम सर्वर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहते हैं। स्टैंड अलोन से मुराद ये है कि ये एक कंप्लीट यूनिट होता है कंप्यूटर का, जो आपके घरों में आप इस्तेमाल करते हैं ना, दे आर योर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स विद अ कंप्लीट प्रोसेसिंग यूनिट, द बॉडी, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ड्राइव्स। इट इज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर, इसे हम स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहते हैं। स्टैंड अलोन से मुराद ये है कि ये कंप्यूटर किसी नेटवर्क पे या किसी और कंप्यूटर वालेकुम अस्सलाम रूहुल अमीन, क्या हाल है आपका। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं दे आर द कंप्यूटर्स विच आर स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन से यहाँ मुराद ये है कि दिस कंप्यूटर इज अ कंप्लीट टर्मिनल, ठीक है, जो कि एक कंप्लीट प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। या डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है इट कैन बी अ टर्मिनल,
जैसे लैब्स होती हैं, लैब्स के जो डेस्कटॉप सिस्टम है वो स्टैंड अलोन नहीं होते, वो टर्मिनल्स होते हैं। आप जब किसी कॉलेज की लैब में जब यूज करते हैं कंप्यूटर तो वो टर्मिनल्स कहलाते हैं। आप जो घर में सिस्टम यूज करते हैं वो स्टैंड अलोन होता है, ठीक है? क्योंकि लैब में जो टर्मिनल है, जो कंप्यूटर है, उसकी सारी प्रोसेसिंग पीछे सर्वर पे हो रही है, विच कैन बी अ मिनी कंप्यूटर, ठीक है? फिर पोर्टेबल लैपटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, ठीक है? सिमिलर कॉन्सेप्ट है पीसी वाला, बट दे आर जस्ट पोर्टेबल। और इसके अक्सर डिवाइसेस इनबिल्ट होते हैं, पेरिफेरल नहीं होते। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड इनबिल्ट होता है लैपटॉप के अंदर, मॉनिटर इनबिल्ट होता है लैपटॉप के अंदर, टच पैड जो कि माउस होता है लैपटॉप का जिसे हम टच पैड कहते हैं वो भी इनबिल्ट होता है, ठीक है? देन वी हैव हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स जो हैं ये और छोटे एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे टैबलेट्स हैं, आईपैड है, ठीक है? टैबलेट्स हैं, फिर पीडीएस होते हैं, पर्सनल डेटा असिस्टेंट्स होते हैं। आजकल के दौर में स्मार्टफोन, मोबाइल फोन आर ऑल्सो योर कंप्यूटर्स विद लार्ज टच सेंसिटिव इनपुट स्क्रीन्स। मच ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कैन बी नाउ फाउंड इन योर स्मार्टफोन। वर्ड फाइल्स खोल देता है, एक्सेल की फाइल्स खोल देता है, आपके लिए टाइपिंग कर देता है, इसी तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज जो हैं जो पहले हम लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ किया करते थे, अब वो सारी की सारी हम अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। सो दीज टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन पेपर में। इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स क्या होती हैं कंप्यूटर्स। आजकल दौर है ग्लोबलाइजेशन का, इसलिए आजकल के दौर में लैपटॉप्स आर वेरी वाइडली यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि लैपटॉप आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना ऑफिशियल वर्क किसी भी जगह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हों और फिर आप उस इंटरनेट के थ्रू आप अपनी कंपनी का नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन के थ्रू आप अपनी कंपनी का जो लोकल नेटवर्क है उसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है दैट इज थ्रू विच यू कैन एक्सेस योर फर्म्स इंटरनेट, इंट्रानेट, फ्रॉम एनीवेयर। इंट्रानेट कहते हैं, इंटरनेट से मुराद ये है द इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर कैन एक्सेस हिज ईमेल्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस इंट्रानेट सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर वेयर एवर ही और शी ऑपरेट्स। जी, हमने चैप्टर नंबर 11 आज स्टार्ट किया है, जैसे डिस्कस किया था हमने पहले कि हम फिफ्थ चैप्टर के बाद चैप्टर 11 पे आएंगे, ये बात हमने पहले की थी। 11 चैप्टर का एक पोर्शन आपके मिड टर्म इंक्लूड करना है हमें, ठीक है? तो वी हैव स्टार्टेड 11 चैप्टर। ओके, वी हैव वेरियस डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस पे 3 दफा सवाल आ चुका है पेपर में। इंट्रानेट, इंट्रानेट कहते हैं एक इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को। इंट्रा का मतलब होता है इनर। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त जिस इदारे में बैठा हूँ, इनका अपना एक इंट्रानेट है, इंटरनल नेटवर्क है जिसके थ्रू इसके एम्प्लॉयज डेटा एक्सेस करते हैं। अगर आप इस इदारे से बाहर कहीं बैठे हैं तो ये डेटा आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल यू कनेक्ट थ्रू अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऑन द इंट्रानेट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब सर्वर तो कंट्रोल कर रहा होता है ना बेसिकली। एग्जैक्टली, सर्वर तो यूजर्स को कंट्रोल कर रहा होता है और सर्वर्स ही इंट्रानेट को मैनेज कर रहा होता है, जिसे हम लैन भी कहते हैं। इंट्रानेट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना आपने, तो इंट्रानेट बेसिकली लैन को ही कहते हैं, इट इज लोकल एरिया नेटवर्क। इनपुट डिवाइसेस के ऊपर 3 दफा सवाल आ चुका है पेपर में। एक दफा क्वेश्चन आया था पेपर में, यूजेज दिए गए थे और एक लिस्ट दी गई थी और कहा गया था बताएं कौन सा यूजेज किस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इनपुट डिवाइसेस कुछ 6-7 आपके ऊपर डिस्कस किए जा रहे हैं। पहला डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, वर्चुअली फाउंड विद एवरी कंप्यूटर सिस्टम, चाहे इनबिल्ट है चाहे पेरिफेरल है। कीबोर्ड स्टैंड अलोन भी होते हैं, स्टैंड अलोन से क्या मुराद है, पेरिफेरल भी होते हैं जैसे आप केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं या वाईफाई के थ्रू, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आजकल वायरलेस कीबोर्ड भी आए हैं। और कीबोर्ड माइट बी इंटीग्रेटेड इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। इंटीग्रेटेड से मुराद है उसका हिस्सा हो कंप्यूटर का, जैसे लैपटॉप में कीबोर्ड इनबिल्ट होते हैं। बेसिक लेआउट कीबोर्ड का वेरी करता है, डिपेंड करता है आप किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अक्सर दुबई से जो लैपटॉप आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, वहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर अरेबिक करेक्टर्स भी लिखे होते हैं साथ साथ, ठीक है? या अगर चाइना में कोई कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो वो कीबोर्ड पे चाइनीज लोकल लैंग्वेज के करेक्टर सेट्स भी डालेंगे। कीबोर्ड मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वेरिएशन होती हैं।
कुछ कीबोर्ड जो है वो बहुत छोटे होते हैं, स्पेस सेविंग होते हैं, कुछ कीबोर्ड में वीडियो एनहेंसमेंट्स होती है, कीबोर्ड्स के अंदर ही कुछ इस तरह के कंट्रोल्स होते हैं जो इससे आप वीडियो गेम्स को चला सकते हैं। फिर कुछ कीबोर्ड जो है वो अर्गोनॉमिकली डिजाइंड होते हैं। अर्गोनॉमिक का मतलब होता है ऐसा डिजाइन जिससे ह्यूमन फटीग कम हो, थके कम हो। अर्गोनॉमिक्स कहते हैं अ सेटिंग इन विच ह्यूमन फटीग इज मिनिमाइज्ड, इसे अर्गोनॉमिक कहते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कीबोर्ड के नीचे वो आपकी रिस्ट को रेस्ट करने के लिए वो रिस्ट पैड सा बना देते हैं, ये अर्गोनॉमिक डिज़ाइन कहलाता है। यानी ऐसा कीबोर्ड जिसको लिखते हुए आप एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे स्पेसिफिक चेयर्स होती हैं यूज करने की कंप्यूटर्स की। वेरिएशन से मुराद मुख्तलिफ किस्म के कीबोर्ड्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स ना। कोई कीबोर्ड बड़े होते हैं, कोई कीबोर्ड बड़े हैंडी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। कोई कीबोर्ड वीडियो एनहेंसमेंट लेके आते हैं अपने साथ, किसी कीबोर्ड के अंदर बटन कुछ और होंगे, किसी कीबोर्ड के अंदर कुछ ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कीबोर्ड में नंबर पैड नहीं होता, अक्सर कीबोर्ड में होता है। इसी बास कीबोर्ड्स के अंदर नंबर पैड साइड पे अलग नहीं होता ना, और बास कीबोर्ड सो डिफरेंट कीबोर्ड्स हैव डिफरेंट आवाज आ रही है आपको मेरी? सॉरी ऑडियो कनेक्शन का कोई इशू हो रहा है। ओके, वेरियस कीबोर्ड जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पे बनते हैं। ओके, आप बाजार चले जाएं आपको एक से बढ़कर एक कीबोर्ड मिलता है। फिर देर आर सम टच सेंसिटिव स्क्रीन्स, जैसे आपका मोबाइल फोन है। अच्छा, टच सेंसिटिव स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। टच सेंसिटिव स्क्रीन जो है मेनली ये इनपुट डिवाइस है, बट इट ऑल्सो सर्व एज अ रोल ऑफ आउटपुट डिवाइस। क्योंकि आप देखें ना, जब आप स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप फौरन वर्चुअल कीबोर्ड खोल लेते हैं, पिक्चर आ जाती है ना कीबोर्ड की आपके सामने, फिर उसके ऊपर आप उसे सिमुलेट करते हैं प्रेस करके फिजिकली उस की को, तो वो टाइप कर देता है और साथ ही साथ वो आपको आउटपुट भी दे रहा होता है, साथ ही साथ वो आपको आउटपुट भी दे रहा है। इसी तरह टच पैड्स होते हैं, टच पैड्स जो लैपटॉप में होते हैं। टच पैड्स नॉर्मली लैपटॉप में माउस का रोल प्ले करते हैं। टच पैड्स को हम एक्सटर्नली कनेक्ट भी कर सकते हैं विद अ कंप्यूटर टू मेक इट मोर एनहेंस्ड। टच पैड्स के ऊपर फिर आप लिख लेते हैं, वो पेन से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वक्त ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये टच पैड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो ये तो मैं जो माउस है इसी को मैं टच पैड के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। अक्सर टच पैड जो है वो एक्सटर्नल भी होते हैं, देयर आर डिफरेंट टच पैड जो कि एक्सटर्नल भी होते हैं। देन वी हैव MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। बैंकर्स के जो चेक्स होते हैं, जो बैंकिंग चेक्स होते हैं, वहाँ पे MICR इस्तेमाल होता है। MICR जो है इसके अंदर एक स्पेशली फॉर्मेटेड करेक्टर्स लिखते हैं आप, जो कि मैग्नेटिक इंक में प्रिंट होते हैं, और वो करेक्टर्स जो है वो एक डॉक्यूमेंट पे प्रिंट होते हैं, और फिर MICR रीडर उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है। जैसे बैंक्स में जब चेक प्रोसेस होते हैं तो उसके ऊपर MICR होता है। आपने चेक्स देखे होंगे ना, अगर आपका अपना भी अकाउंट है, आपके पास चेक बुक है, तो आप देखें हर चेक के नीचे एक खास ब्राउन सी इंक में एक नंबर लिखा होता है, लिखा होता है डो नॉट राइट बिलो दिस लाइन। You might have seen it on the check. Do not write below this line. इसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे मैग्नेटिक इंक, और MICR रीडर उस इंक को पढ़ के सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि ये अकाउंट किसका है, इसका बैलेंस कितना है, ये चेक की अमाउंट क्या है, वो सब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो MICR के थ्रू आ जाती है। MICR का कॉमन यूज़ क्या है? चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप्स। अब पेपर में एग्जामिनर ने क्या किया था, ये स्टेटमेंट दी थी, यूज़ ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप्स, और आगे पूछा गया था यहाँ पे कौन सा इनपुट डिवाइस आएगा, तो MICR आना था यहाँ पे। मुझे पता, वेरी बेसिक क्वेश्चन। OMR आप लोगों ने एंट्री टेस्ट दिया होगा किसी ने, तो एंट्री टेस्ट में आपने प्री प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर शेडिंग की होगी ना, ये OMR के थ्रू होता है। OMR जो है ये प्री प्रिंटेड फॉर्म होते हैं, MICR की तरह ही होता है, ऑटोमेटेड मेथड है इनपुट का। प्री प्रिंटेड फॉर्म्स के ऊपर आप पेन से या टाइप्ड लाइन से या किसी मार्किंग से आप एक इंडिकेशन दे देते हैं अप्रोप्रिएट बॉक्स में या सर्कल में, फिर उस कार्ड को या उस पेपर को OMR डिवाइस पढ़ता है और मार्किंग करता है। OMR ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं टेस्टिंग सिस्टम के अंदर, बैलेटिंग बैलेट वोटिंग स्लिप्स के अंदर। पाकिस्तान में तो खैर ये बैलेटिंग का सिस्टम मैनुअल है ना, वोटिंग के अंदर जब आप सारे वोट डल जाते हैं फिर मैनुअली आप बैलेटिंग करते हैं, बैलेट काउंटिंग करते हैं। इंटरनेशनली बैलेटिंग का सिस्टम जो है ये कंप्यूटराइज है, ठीक है। एग्जैक्टली, ओ लेवल्स में MCQs भी आप अब उसी के ऊपर करते हैं जिसको डॉक्यूमेंट ने रीड करना होता है, OMR डॉक्यूमेंट के ऊपर ही करते हैं। ओ लेवल्स में भी अब ये प्रैक्टिस आती जा रही है क्योंकि इसमें ह्यूमन एफर्ट कम हो जाती है ना,
सारे एमसीक्यूज अगर आप मैनुअली मार्क करेंगे सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो यू आर सिंपली आस्किंग अ मशीन टू मार्क एमसीक्यूज ऑन योर बिहाफ. इसी तरह स्कैनर्स हैं और ओसीआर है, ऑप्टिकल करेक्ट रिकग्निशन. स्कैनर्स क्या करते हैं, स्कैनर किसी भी पेपर के ऊपर जो प्रिंट होता है उसको ट्रांसलेट कर देते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन में जो कंप्यूटर फॉर्मेट में होती है, यानी उसकी सॉफ्ट कॉपी बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बुक को स्कैन करें तो आपकी बुक अब फिजिकल थी, अब उसकी सॉफ्ट कॉपी आ गई. स्कैन इमेज जो है उसकी एक रेजोल्यूशन होती है. रेजोल्यूशन क्या होती है, नंबर ऑफ पिक्सल रिकॉर्डेड फॉर ईच इमेज. हाउ डू वी डिफाइन पिक्सल, पिक्सल कहते हैं एक स्मॉल इल्यूमिनेशन एरिया को. आप अगर किसी इमेज को सिस्टम पे जूम करना शुरू करें, बड़ा करना शुरू करें, तो एक स्टेज आती है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो इमेज फट जाएगा, आपको डब्बे डब्बे नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना. और डब्बे जो है वो पिक्सल होते हैं. पर स्क्वायर इंच या पर स्क्वायर सेंटीमीटर जितने ज्यादा पिक्सल्स पाए जाएंगे उतना इमेज क्रिस्प होगा, शार्प होगा. आप डीएसएलआर कैमरा से एक तस्वीर खींचें और एक आप तस्वीर खींचें अपने मोबाइल फोन के कैमरा से, तो जो डीएसएलआर वाला कैमरा है उसके पिक्सल्स ज्यादा होंगे, उसकी रेजोल्यूशन बेहतर होगी एज कम्पेयर टू द पिक्सल्स ऑफ द पिक्चर यू क्लिक फ्रॉम योर मोबाइल फोन. इसलिए उसका साइज भी ज्यादा होगा, उस फाइल का साइज भी ज्यादा होगा ना. अच्छा, कुछ स्कैनर्स के अंदर ओसीआर सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट होता है. आप जब किसी टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो उसे ऑटोमेटिकली वो वर्ड में कन्वर्ट कर देता है. नॉर्मली जब स्कैन करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो वो कन्वर्ट होता है इमेज के अंदर, लेकिन आजकल अक्सर सॉफ्टवेयर जो है उनमें ओसीआर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है. और ओसीआर सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रांसलेट कर देता है इमेज को टेक्स्ट में. आप अपनी बुक को स्कैन करें फॉर एग्जाम्पल, अब ये इमेज में जाएगा, लेकिन अगर ओसीआर सॉफ्टवेयर मौजूद होगा तो इस बुक को वर्ड में कन्वर्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से निकाल देगा. तो ओसीआर सॉफ्टवेयर इज एन इनबिल्ट कंपोनेंट ऑफ अ स्कैनर, अलग से इस्तेमाल नहीं होता, स्कैनर में होता. फिर माइस हैं, ट्रैक बॉल्स हैं, सिमिलर डिवाइसेज हैं. माउस जो होता है ये सेंसर पिक करता है मोशन के थ्रू और कन्वर्ट करता है उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में जिससे कर्सर मूव करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर. माउस और कीबोर्ड ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइसेज हैं. मतलब वर्चुअली नो कंप्यूटर कैन एग्जिस्ट विदाउट विदाउट अ माउस एंड अ कीबोर्ड. वर्चुअली यू कांट अंडरस्टैंड कि कोई कंप्यूटर माउस या कीबोर्ड के बगैर एग्जिस्ट भी कर सकता है. माउस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आपको याद होगा पहले बॉल माउस होते थे, बॉल माउस नीचे उनके बॉल होता था. आजकल ऑप्टिकल माउस आ चुके हैं, लाइट एमिटिंग डायोड लगा होता है और वो लाइट जब किसी सरफेस पर टकराती है तो उससे आप माउस को मूव करते हैं. ऑप्टिकल माउस आर मोर कंफर्टेबल, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. माइस के ऊपर दो या तीन बटन होते हैं, बाज़ दफ़ा दो होते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, एक दफ़ा बाज़ दफ़ा इसके दरमियान में एक व्हील भी होता है जिसे हम स्क्रॉलिंग व्हील कहते हैं. इस व्हील से आप डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है. सो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माउस एज वेल. इसी तरह ट्रैक बॉल होते हैं. ट्रैक बॉल और माउस में फर्क होता है. ट्रैक बॉल एक बॉल होता है जो कि एक सरफेस पे उभरा होता है और आप अपनी हथेली से उस बॉल को मूव करते हैं. ट्रैक बॉल का भी मकसद वही है, कर्सर को स्क्रीन पे मूव करवाना. आपको ब्लैकबेरी का सेट याद है, कोई पुराना ब्लैकबेरी एज होता था एक मोबाइल, ब्लैकबेरी एज किसी ने देखा हो, उसके ऊपर एक ट्रैक बॉल लगा होता था छोटा सा, उसके ऊपर एक छोटा सा ट्रैक बॉल जो है वो लगा होता था. मैं अगर आपको उस गूगल करके उस मोबाइल की तस्वीर दिखाऊं, If you look at the picture of that mobile, वैसे ट्रैकबॉल की पिक्चर देख लेते हैं यार, मोबाइल की पिक्चर क्या करनी देख. लेट्स सी हाउ अ ट्रैक बॉल लुक्स लाइक, क्योंकि ट्रैक बॉल अक्सर लोगों ने नहीं देखा होता. माउस की बोर्ड तो बड़ी कॉमन चीजें हैं, ट्रैक बॉल जो है वो अक्सर लोगों ने नहीं देखा होता. हाँ, और वो ट्रैक बॉल हमेशा खराब हो जाता है. एग्जैक्टली, ब्लैकबेरी में तो बहुत मसला था, वो ट्रैक बॉल बड़ी जल्दी खराब हो जाता था, ठीक है. दैट ट्रैक बॉल यूज टू गेट डिफेक्टिव एवरी टाइम. गूगल को सो दिस इज हाउ
track wall looks like. इस तरह का होता है, देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक बॉल्स होते हैं। ये अक्सर आजकल माउस में साइड पे ट्रैक बॉल्स भी दिया होता है, गेमिंग में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, गेमिंग के अंदर बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है ट्रैक बॉल। ओके, नेक्स्ट वी हैव टच सेंसिटिव पैड्स एंड जॉयस्टिक्स। ये भी अक्सर गेमों में इस्तेमाल होते हैं जॉयस्टिक्स, जस्ट लाइक यू यूज अ माउस, इट्स वेरी हैंडी। आप जिस तरह माउस को यूज़ करते हैं ना, मतलब आपको ये देखो ना, अब अगर ये ट्रैक बॉल है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रैक बॉल, अब आप अपने थंब से इस बॉल को घुमाओगे, आपको माउस घुमाने की जरूरत नहीं है, मतलब यू नीड नॉट टू, अगर ये आप ये वाला ट्रैक बॉल देखें ना, तो यू नीड नॉट टू यू नो रोटेट द माउस, आपको माउस फिक्स होगा, आप थंब से इस बॉल को घुमाएंगे, ये ऊपर आप क्लिक्स करेंगे, सेम लाइक अब माउस वर्क्स, जिस तरह माउस काम करता है वैसे ट्रैक बॉल काम करता है। ठीक, VDE, वॉइस डेटा एंट्री। VDE जो है ये हम यूज़ करते हैं अक्सर कमांड देने के लिए, वॉइस इनपुट देने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल आईफोन में एक वो है ऐप सीरी की, सीरी ऐप जो है, आप बहुत बोर हो रहे हो तो आप सीरी से बातें कर लिया करें, ठीक है, सीरी ऐप जो है ये वॉइस कमांड लेती है, ठीक है, एंड यू कैन फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव अ कमांड कॉल ऑफिस, कॉल होम, या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं वॉइस डेटा एंट्री को, ट्रांसलेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है वाली ऐप। फिर बार कोड्स हैं, क्यू आर कोड्स हैं, बार कोड्स हम इस्तेमाल करते हैं, बार कोड्स ब्लैक एंड वाइट लाइंस के ग्रुप्स होते हैं जिनमें कुछ स्पेसिंग होती है, सुपर मार्केट्स में इस्तेमाल होते हैं ग्रॉसरी के अंदर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। क्यू आर कोड्स जो है ये मेट्रिक्स हैं, टू डायमेंशनल मेट्रिक्स है बार कोड की तरह ही, जिसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा रिच डेटा कैरी कर लेते हैं, दे हैव फास्ट रीडेबिलिटी एंड दे हैव ग्रेटर स्टोरेज देन अ क्यूआर कोड देन अ बार कोड। इसे अक्सर आपने देखा होगा, आप जब कभी लैपटॉप पे व्हाट्सएप यूज़ किया ना आपने कभी, तो वेब व्हाट्सएप यूज़ किया हो आपने कभी, तो आप क्या करते हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना अपने मोबाइल फ़ोन से, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं लैपटॉप के ऊपर, तो फ़ौरन उस क्यूआर कोड को स्कैन करके इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको। एग्जैक्टली, दैट इज़ नोन एज क्यू आर, क्यू आर स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसे क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का इन दो पैराग्राफ्स के ऊपर, ई पी ओ एस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ई पी ओ एस को हम इंटीग्रेट करते हैं बार कोड्स के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड मशीन होती हैं, आप हाइपर स्टार जाएँ या मेट्रो कैश एंड कैरी जाएँ तो वहाँ देखा होगा ना आपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे, वहाँ पे मशीन्स पड़ी होती हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मशीन पड़ी होती है, आप उसे अपना कार्ड देते हैं, वो कार्ड को स्वाइप करता है और फौरन पेमेंट हो जाती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, इसे ई पी ओ एस कहते हैं। ठीक है, आजकल ई पी ओ एस की रीसेंट डेवलपमेंट है कि अब आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी नहीं चाहिए पेमेंट करने के लिए, मोबाइल वॉलेट का कॉन्सेप्ट आ गया है। आपने नाम सुना होगा सिमसिम, सिमसिम आप सुना, सिमसिम भी है, फिर इसके अंदर एक और है फोन पे, फोन पे, अब फोन पे या सिमसिम जो है दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, ये इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो सिमसिम और फोन पे ये दो बड़ी कॉमन ऐप्स हैं। आपका जो मोबाइल फोन है, आपका जो मोबाइल फोन है ये आपका वॉलेट है, और मोबाइल फोन सिग्नल को आप यूज करते हैं एज अ मोड ऑफ पेमेंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह पे। तो फोन का जो सिग्नल होता है, क्योंकि देखिए ना हर मोबाइल फोन का सिग्नल यूनिक होता है ना, एवरी मोबाइल फोन हैज अ यूनिक सिग्नल, एवरी मोबाइल फोन हैज अ यूनिक सिग्नल। ठीक है, तो मोबाइल फोन का जो सिग्नल होता है दैट इज अ यूनिक वन,
तो वो फिर उसको वो एक सोर्स के तौर पे पिक कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपने हाइपर स्टार ग्रॉसरी की है, अब जैसे ही आपका बिल जनरेट हुआ और आप जैसे ही आपका बिल जनरेट हुआ और जैसे ही आप उस रेंज में आएंगे तो इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसे कहते हैं ईपीओएस, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। हाँ, सिम सिम आप देखें, अब तो बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स ने भी सिम सिम पेमेंट मोड रख लिए हुए हैं। आप मोबाइल में सिम सिम वॉलेट ओपन करें, और नॉट इतना अभी फ्रीक्वेंट नहीं है, मतलब आप समझ लें कि लाहौर में कोई 10-20% आउटलेट्स पे सिम सिम पेमेंट होती है। इजी पैसा अकाउंट इज समथिंग डिफरेंट। इजी पैसा अकाउंट से आप सिर्फ जाके पैसे रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट नहीं कर सकते। मतलब आप कर सकते हैं पे, यस यू कैन पे, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मतलब एक तो है ना, आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स गए हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड्स में आपने बर्गर परचेज किया, उन्होंने वहां पे एक बार कोड रखा हुआ है अपने काउंटर के ऊपर। आपने बर्गर परचेज करके अपना मोबाइल फोन क्यूआर कोड से, उस क्यूआर कोड से स्कैन किया फौरन, और पेमेंट हो गई। ये है कॉन्सेप्ट मोबाइल वॉलेट का, ठीक है ना। इजी पैसा अकाउंट एक अलग फेनोमेना है। ओके जी, सॉरी अगेन फॉर इंटरप्शन, पता नहीं कुछ ये वॉइस का मसला है। आई वाज टॉकिंग, आवाज आ रही है जी? हाँ, लाइक एप्पल पे एंड सैमसंग पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही एग्जांपल है, एप्पल पे एंड सैमसंग पे। ठीक है, आप उसमें अकाउंट में पैसे डाल देते हैं और आपने कोई ऐप परचेज करनी हो, वो वहीं से पेमेंट आपकी कट जाती है। देन यू हैव कैमरास। कैमरास जो होते हैं ये स्टैंड अलोन यूनिट्स में यूज होते हैं, स्मार्टफोन टैबलेट्स में। कैमराज जो हैं ये इमेजेस और वीडियोस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ईयर एंड इन्वेंटरी लेनी है, या आपने फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग मटेरियल बनाना है, या आपने कोई क्राइम सीन रिकॉर्ड करना है, तो ये भी इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि ये यूजेज दिए गए थे, फॉर एग्जाम्पल टू रिकॉर्ड अ क्राइम सीन, फॉर एग्जाम्पल टू पे फॉर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल टू प्रोसेस बैंक चेक्स, बैंकिंग के चेक्स को प्रोसेस करने के लिए, ये जैसे MICR में, ये इस तरह यूजेज दिए गए थे, यूजेज दिए गए थे। और कहा गया था बताएं कि हर एक के अंदर क्या जो है वो उसमें क्या उसे कहते हैं, कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था पेपर। एक दफा क्वेश्चन आया था ये टेबल पूरे का पूरा, ये पूरा टेबल रिप्रोड्यूस करना था, पूरा तो नहीं, खैर कोई से पांच या छह, मेरा ख्याल है, इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनको रिप्रोड्यूस करना था, उनका एक एक बेनिफिट एक एक ड्रॉबैक। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड का फायदा क्या है, कॉमन है, सिंपल है, चीप है। ड्रॉबैक क्या है, लेबर इंटेंसिव है, मेहनत लगती है, स्लो है, एरर ज्यादा हो सकते हैं। टच सेंसिटिव स्क्रीन्स का फायदा क्या है, स्पेस बचती है, इंटीग्रेटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्ट टू लर्न द टेक्निक, एक्यूरेट डेटा एंट्री मुश्किल हो जाती है, जैसे आप अक्सर टाइपिंग करते हुए कीबोर्ड पे आपको बार बार गलतियां सही करनी पड़ती हैं अपनी, क्योंकि इतना छोटा सा कीबोर्ड है, इतना बड़ा अंगूठा है आपका, तो इसी यू यू मेक एरर्स। MICR में एक्यूरेसी हाई होती है, स्पीड हाई होती है। MSER डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव होता है। OMR में भी सेम प्रॉब्लम है।
वो एमआर डॉक्यूमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर डॉक्यूमेंट स्पॉइल्ड हो तो फिर पढ़ा ही नहीं जाएगा, या अगर आपने आउटसाइड द अलॉटेड बॉक्स मार्क कर दिया है, जैसे जब आप सर्कल करते हैं ना एमसीक्यूज को, तो वो कहते हैं ना कि इस सर्कल में आपने शेड करना है, अगर आपने उसे प्रॉपरली शेड नहीं किया तो वो मार्क नहीं मिलेगा। स्कैनर्स एक्सीलेंट होते हैं इनपुटिंग ग्राफिक्स के लिए, स्कैनर स्लो प्रोसेसिंग करते हैं मल्टीपल इमेजेस की ऑब्वियस, फिर अगर हाई क्वालिटी स्कैन कर रहे हैं तो फिर फाइल साइज बड़ा ज्यादा होगा। ओसीआर कैन समवट बी इनएक्यूरेट अगर इनपुट इमेज क्वालिटी लो है, आपने अपनी बुक का एक पेज स्कैन किया लेकिन इमेज क्वालिटी इज वेरी लो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ओसीआर टू कन्वर्ट इट इनटू टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट मुश्किल से करेगा। माउस इजी टू यूज है, कॉमन है, चीप है, स्लो है, अगेन वीडीई कन्वीनियंट है, सिंपल है, बारकोड वेरी कॉमन, एक्यूरेट कैन बी इनएक्यूरेट स्पेशली जब नॉइज होता है तो आपकी आवाज़ सही समझ नहीं आती वॉइस जेट एंट्री के अंदर। बार कोड अगर डैमेज होंगे तो उनको पढ़ना इम्पॉसिबल होगा, इनकम्पैटिबिलिटी इशूज आ सकते हैं बार कोड्स के अंदर। कैमराज वर्सटाइल हैं, वर्सटाइल से क्या मुराद है, मल्टीपल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वर्सटैलिटी मीन कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पजेज, एक्यूरेट है। हायर क्वालिटी मीन लार्जर फाइल साइज, बिकम एक्सपेंसिव टू मैनेज, उसके लिए फिर आपको स्टोरेज डिवाइसेस बहुत ज़्यादा परचेज करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन था पेपर में कि कीबोर्ड के अलावा अपार्ट फ्रॉम कीबोर्ड कोई से चार या पांच इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताएं। आगे आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि आपके लिए डेटा और इंफॉर्मेशन को डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करते हैं। जो इनपुट आप देते हैं उसे प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस आपको उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। आउटपुट डिवाइसेस किस किस्म के हैं, मॉनिटर है सबसे पहले, लाइक अ टीवी स्क्रीन, विजुअल टेक्स्ट और ग्राफिक्स आउटपुट देता है, ऑडियो विजुअल आउटपुट देता है, सॉरी विजुअल देता है, ऑडियो स्पीकर्स देते हैं, हालांकि अक्सर मॉनिटर में स्पीकर्स बिल्ट इन भी होते हैं ना, तो ऑडियो विजुअल भी देते हैं मॉनिटर बाज दफा। मॉनिटर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं जैसे अटैच विद योर कंप्यूटर, और बिल्ट इन भी होते हैं, इंटीग्रेटेड भी होते हैं लाइक इन योर लैपटॉप्स। मॉनिटर्स जो हैं पहले ओल्ड फैशन होते थे, बल्कि कैथोड रे ट्यूब सीआरटी मॉनिटर्स होते थे, आजकल ज्यादा फैशनेबल मॉनिटर्स हैं एलसीडी एलईडी डिस्प्लेज हैं। मॉनिटर की स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है जो कि डिटरमिन करती है कितने पिक्सल्स हैं जो कि एक इमेज को बिल्ड कर रहे हैं। जो महंगे मॉनिटर्स हैं उनकी रेजोल्यूशन बड़ी शार्प होती है, सस्ते मॉनिटर्स की रेजोल्यूशन थोड़ी वीक होती है। ठीक है, जितने पिक्सल्स कम होंगे उतना रेजोल्यूशन कम होगी, उतनी इमेज क्वालिटी पुअर होगी, और जितना इमेज शार्पर होगा, पिक्सल्स ज्यादा होंगे, इमेज वुड बी क्रिस्प, इमेज क्रिस्प होगा। प्रिंटर्स क्या करते हैं आपके लिए, प्रिंटर्स जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स को आपके लिए ब्लैक एंड वाइट पे या कलर्ड में प्रिंट करते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आपको याद है, आपने पढ़ा होगा डॉट मैट्रिक्स, इंक जेट, लेजर जेट, ड्रम प्रिंटर्स। इसी स्पीकर्स, स्पीकर्स ऑडियो आउटपुट देते हैं, साउंड देते हैं, स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं साउंड कार्ड के साथ, कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड लगा होता है जिसके थ्रू आप स्पीकर्स को यूज कर सकते हैं। स्पीकर्स कैन बी वेरी सिंपल स्पीकर्स है, जैसे लैपटॉप के स्पीकर बड़े सिंपल होते हैं, सिंगल स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है, लो क्वालिटी ऑडियो देता है, या फिर सराउंड साउंड मल्टी चैनल स्पीकर आप यूज करते हैं जो आप घरों में यूज करते हैं विद योर मल्टी मीडिया सिस्टम, विद योर डीवीडी सिस्टम। आजकल हेडसेट्स इस्तेमाल होते हैं, हेडसेट्स में माइक्रोफोन भी होता है और स्पीकर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप स्काइप पे कम्युनिकेट करते हैं तो आप हेडसेट यूज करते हैं ना, हेडसेट के अंदर हेडफोन भी होते हैं, हेडफोन से आवाज आती है और माइक्रोफोन से आवाज जाती है। गेमर्स यूज करते हैं व्हेन यू टॉक टू सम रिलेटिव थ्रू स्काइप फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल जब आप करते हैं तो भी आप हेडसेट यूज करते हैं। सो दीज आर, इसी तरह इंटरेस्टिंगली सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेज आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेज, कुछ स्टोरेज डिवाइसेज भी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, स्पेशली वो स्टोरेज डिवाइसेज जिनको हम कम्यूट कर सकें, जिन्हें हम कैरी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यूएसबी में आपने एक फाइल कॉपी की, अब वो आप किसी और सिस्टम में जाके यूएसबी लगाएंगे और फाइल दोबारा ओपन कर लेंगे, तो दैट वुड बी एन आउटपुट डिवाइस। सो आउटपुट डिवाइस कैन ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज, स्पेशली दो स्टोरेज डिवाइसेज जो कि कम्यूटेबल होते हैं, कम्यूट से मुराद ये जिनको लेके आप कैरी कर सकते हैं, कम्यूट्स का मतलब ये होता है कैरी करना, तो कम्यूटिंग होती है उसमें, जैसे डीवीडी कैरी कर सकते हैं, सीडी कैरी कर सकते हैं, फ्लैश मेमोरी यूएसबी कैरी कर सकते हैं, ब्लू रे कैरी कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कैरी कर सकते हैं, रैम रोम इंटरनल बिल्ट इन हार्ड डिस्क ये आउटपुट डिवाइसेस नहीं है, दे आर ओनली स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आउटपुट डिवाइस भी है, स्टोरेज डिवाइस भी है, तो ये डिफरेंस होना इंपॉर्टेंट है।
Then we have projector. PCSC जब आप लोग करते हैं, when you take some training of PCSC, तो आप क्या करते हैं, फिर आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो प्रोजेक्टर क्या करता है, ये मॉनिटर करता है, प्रोजेक्ट करता है इमेज को एक स्क्रीन के ऊपर. जैसे सिनेमाज जाते हैं आप लोग, सिनेमाज में भी प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी होती है ना, तो when you project an image on a screen, so that is projector, through projector. फिर हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस तीन किस्म के होते हैं प्राइमरी. ये दो दफा सवाल आ चुका है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस तीन किस्म के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बल्कि चार होते हैं, ऑफलाइन भी है. हाँ, चार है, टर्शरी और ऑफलाइन. हम ज्यादा कॉमनली इन दो को जानते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. टर्शरी और ऑफलाइन जो है ये इतने कॉमन नहीं है, इनको भी डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या क्या करते हैं. सो वी नो मोर कॉमनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज इंटरनल टेम्पररी स्टोरेज होती है एक सीपीयू की, जैसे कैशे मेमोरी होती है सीपीयू की, वोलेटाइल होती है. वोलेटाइल से क्या मुराद है, डेटा सेव नहीं होता, एज सून एज पावर इज शट डाउन डेटा लूज हो जाता है, इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी. रैम, रोम, सीपीयू, कैशे मेमोरी, ठीक है, टिपिकली अप टू 2 MB. कैशे मेमोरी 2 MB की होती है, रैम आजकल GB में आ चुकी है, 8 GB की रैम होती है, 4 GB की रैम होती है, लेकिन ये भी बहुत थोड़ी रैम है. दैट्स मतलब अब तो रैम 16 GB तक जा रही है. सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क कैन बी अ ह्यूज बल्की स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये बल्की होती है, ठीक है, ये प्राइमरी स्टोरेज से डिफर करती है. सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वो डेटा आप स्टोर करते हैं जो कि करंटली प्रोसेस नहीं हो रहा होता, स्टोर द डेटा विच इज नॉट बीइंग करंटली प्रोसेस, जिसे आपने बाद में लेटर स्टेज पे एक्वायर करना होता है, जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, म्यूजिक फाइल्स हैं, ठीक है. नॉन वोलेटाइल होती है, डेटा कैन बी रिट्रीव्ड आफ्टर द सिस्टम इज शट डाउन. लोकेटेड फर्दर फ्रॉम CPU, प्रोसेसर से डिस्टेंट है ना, प्रोसेसर की अपनी मेमोरी नहीं है, इसीलिए हार्ड डिस्क से किसी फाइल को खोलना इसमें टाइम लगता है. आप जब ऑन करते हैं अपना कंप्यूटर और जब आप कोई फाइल पे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो इट टेक्स सम टाइम टू ओपन द फाइल. अच्छा, कभी आप चेक कीजिएगा उस फाइल को क्लोज करके दोबारा ओपन कीजिएगा तो जल्दी खुल जाएगी. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब वो इंफॉर्मेशन, अब वो फाइल उसकी कैशे मेमोरी में आ गई है CPU की. अब जब तक कोई अगली इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, वो रहेगी उसकी कैशे मेमोरी के अंदर, और वहां से रिट्रीवल बेहतर हो जाता है, वहां से फाइल की एक्सेसिबिलिटी बेहतर हो जाती है, ठीक है ना. सो दैट इज हाउ सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज्ड. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी वेरी करती है, लाइक 40 GB से लेकर हार्ड डिस्क आजकल 2 TB, 2 TB की. 1 TB इज हाउ मेनी गीगाबाइट्स, 1 TB इज हाउ मेनी गीगाबाइट्स, अ लॉट, आई नो अ लॉट, बट हाउ मेनी, नो नॉट 1000, नो, हाँ शाबाश, 1024. देखो, 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, ठीक है, बल्कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि चैट वीडियो में नहीं आती. ओके, 1 byte इज इक्वल टू 8 bit, ठीक है, 1 KB इज इक्वल टू 1024 bytes, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, ठीक है, और टेराबाइट के आगे भी होता है, पीकोबाइट होता है, मेरा ख्याल है पीकोबाइट है. एनीवे, तो अभी तक जो हार्ड आई है वो टेराबाइट्स में आई है, ठीक है, 2048 GB की हार्ड जो है अभी तक अवेलेबल है. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना. ओके, सो एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जाम्पल्स देखें, हम इन सबको जानते हैं. मैग्नेटिक टेप, पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, पता नहीं आप में से कभी पेरेंट्स की शादी की वीडियो देखी है आपने, तो उसकी एक वो टेप होती है ना, मैग्नेटिक टेप. जब पुराने ज़माने में जब कभी शादी की मूवीज बना करती थी, तो उस पर वो फिर एक VHS टेप होती थी, VHS, जिसे VCR में लगाया करते थे. अक्सर घरों में जब पेरेंट्स की शादी की फिल्में हैं वो टेप्स पे होते थे. एग्जैक्टली, फिर ये ऑडियो टेप्स होती थी, बिल्कुल. आजकल क्लाउड ड्राइव आ चुकी है, क्लाउड ड्राइव जो है ये आपका डेटा स्टोर करती है. गुड गुड, ठीक है ना. ओके, टर्शरी स्टोरेज जो है ये एक रोबोटिक सिस्टम होता है.
टर्शरी स्टोरेज नॉर्मली इस्तेमाल होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे डेटा बहुत रैपिडली जनरेट हो रहा होता है और आपको बार बार सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो अपडेट करनी पड़ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलें कैफ ऑनलाइन की मिसाल ले लेते हैं। अब कैफ ऑनलाइन में डेली बेसिस पे मैमथ डेटा जनरेट हो रहा है, इतने ऑडियो लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, हर लेक्चर जो है वो दो दो तीन तीन सौ एमबी का है। जस्ट इमेजिन एक दिन में अगर 20 क्लासेस होती हैं तो डेली बेसिस पे जीबीज में डेटा जनरेट हो रहा है, एक महीने में थाउजेंड्स ऑफ जीबीज डेटा जनरेट हो रहा है। अब टर्शरी स्टोरेज जो है ये बेसिकली फिर एक रोबोटिक मैकेनिज्म यूज करती है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप एक रिमूवेबल मैस स्टोरेज, ये मैस स्टोरेज जो है ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, आप रिमूवेबल मैस स्टोरेज को माउंट या डिसमाउंट करते हैं एक मीडिया के अंदर। ठीक है, नॉर्मली इट इज यूज फॉर आर्काइविंग, आर्काइविंग के लिए। आर्काइव का मतलब ये होता है जैसे लाइब्रेरी होती है ना, डेटा लाइब्रेरी होती है, मतलब अगर ये कहा जाए कि 2016 में बीएमबीएस का एक सर्टन लेक्चर रिट्रीव करना है तो वो आर्काइव से निकाल के लाएगा, इसे आर्काइविंग कहते हैं। आर्काइव का मतलब होता है लाइब्रेरी, आर्काइव कहते हैं लाइब्रेरी को, डेटा की लाइब्रेरी जो होती है। सो नॉर्मली टर्शरी स्टोरेज, हम टर्शरी स्टोरेज यूज करते हैं आर्काइविंग के लिए। जो डेटा पुराना हो चुका है उसे हम थोड़ा सा डिस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, और जो डेटा इमीडिएटली हमें रिक्वायर्ड होता है उसे हम प्राइमरी स्टोरेज मीडिया के करीब रखते हैं। ठीक है, प्राइमरीली यूजफुल फॉर एक्सट्रीमली लार्ज डेटा स्टोर एक्सेस्ड विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर्स, ह्यूमन ऑपरेटर्स की इंटरवेंशन के बगैर, तो रोबोटिक मैकेनिज्म होता है। हाँ देखो, टर्शरी स्टोरेज है चाहे ऑफलाइन है, दोनों में मीडिया सेकेंडरी स्टोरेज ही है, मीडिया हार्ड डिस्क ही है। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आने लगा था इस क्वेश्चन के ऊपर। टर्शरी स्टोरेज है चाहे ऑफलाइन स्टोरेज है, इसके अंदर जो आपका मीडिया है ना वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज वाला ही है, वो हार्ड डिस्क ही है आपकी, दैट इज योर हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हाँ टर्शरी स्टोरेज के अंदर आपका जो डेटा है वो बड़ा लार्ज अमाउंट का होता है। अच्छा, ऑफलाइन स्टोरेज हम यूज करते हैं बैकअप के लिए। ऑफलाइन स्टोरेज जो है दैट इज व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड व्हिच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। ऑफलाइन स्टोरेज की बड़ी सादा सी मिसाल है, आपने किसी फाइल का बैकअप लिया अपनी यूएसबी फ्लैश के ऊपर, आपने उसमें फाइल कॉपी की और वो संभाल लिया आपने, दैट इज ऑफलाइन स्टोरेज। ठीक है, तो ऑफलाइन स्टोरेज में आप क्या करते हैं, मीडियम को रिकॉर्ड करते हैं सेकेंडरी या टर्शरी स्टोरेज के ऊपर। अगर तो बहुत ज्यादा डेटा है तो फिर टर्शरी स्टोरेज यूज करते हैं, अगर कम है तो फिर एक हार्ड डिस्क यूज करेंगे, जिसे फिर आप फिजिकली रिमूव कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऑफलाइन स्टोरेज इसीलिए फिर मैनुअल होती है, ह्यूमन इंटरवेंशन से होती है, क्योंकि फिर आपको रिकनेक्ट करना पड़ता है सबसीक्वेंट एक्सेस के लिए। यूएसबी लैपटॉप में खुद लगाएंगे और खुद उतारेंगे ना, खुद ब खुद तो नहीं लग जाएगी यूएसबी लैपटॉप के अंदर, या खुद ब खुद तो नहीं उतर आएगी ऐसे। तो ऑफलाइन स्टोरेज जो है इसको फिर हम फिजिकली सेपरेट रखते हैं। नॉर्मली ऑफलाइन स्टोरेज कीप्स अ कॉपी ऑफ ऑल योर इंपॉर्टेंट फाइल्स इन अ सेपरेट बिल्डिंग। खुदा ना खास्ता अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ गया, कोई सुनामी जलजला आ गया, कोई और साइबर क्राइम हो गया, साइबर क्राइम में हैकिंग होती है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका डेटा कम से कम सिक्योर तो होना ऑफलाइन स्टोरेज में। तो टर्शरी स्टोरेज जो है इसका यूज है टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और ऑफलाइन स्टोरेज जो है इसका पर्पज है टू हैंडल बैकअप ऑफ द डेटा। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस पे दो दफा सवाल आ चुका है पेपर में, क्वेश्चन ट्वाइस हैज अपेयर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल इस क्वेश्चन के ऊपर। ओके, कमिंग टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन एंड दैट इज नेटवर्क्स, और यहाँ तक मिड टर्म आना है आपको। ओके, नेटवर्क्स की डेफिनेशन आ चुकी पेपर में डिफाइन, क्योंकि 11 चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और हर अटेम्प्ट में इसमें से 15 नंबर आते हैं, तो 11 चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट भी हो चुके हैं। नेटवर्क हम डिफाइन करते हैं बेसिकली एक टेली कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू वी अलाउ द कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर। आप जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं तो आप बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, असल में आप बातें नहीं कर रहे होते, आपके मोबाइल बातें कर रहे होते हैं। सो यू आर अलाउइंग योर कंप्यूटर और योर स्मार्टफोन टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है, तो ये फिजिकल कनेक्शन के थ्रू भी होता है, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू भी होता है। फिजिकल कनेक्शन जो है ये आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, वायरलेस कनेक्शन में वाईफाई आ जाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजेज ऑफ नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहला यूज है इट गिव्स यू एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड वेब, यूजेज इसका क्या है, इट गिव्स यू एक्सेस टू इंटरनेट। आप शेयरिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, जैसे एप्स डाउनलोड करते हैं आप, ई मेल एक और इंपॉर्टेंट यूज, डिवाइस शेयरिंग होती है ऑफिस में,
नेटवर्क के ऊपर आप डिवाइस शेयरिंग करते हैं ना, एक ही प्रिंटर है उसे सारे यूज़ करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, फ्लाइट बुकिंग करवाते हैं आप, इंस्टेंट मैसेजिंग। अभी जैसे मैं अमेरिका गया तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी अपनी सीट की, ठीक है, कतर एयरवेज की वेबसाइट पे गया, जाके डेट डिफाइन की किस डेट को ट्रैवल करना है, किस डेट को वापस आना है, सीट्स देखी कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, किस किस कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमी है, बिजनेस है, फर्स्ट क्लास है, अपनी मर्जी की सीट्स चूज़ की, ऑनलाइन पेमेंट की, सीट बुक हो गई। दैट इज अवर यूज ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन जैसे स्काइप है, व्हाट्सएप है, ये क्वेश्चन पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। ओके, डिफाइनिंग व्हाट इज सिस्टम आर्किटेक्चर एंड टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये सवाल भी आ चुका पेपर में। सिस्टम आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क। हाँ, शीशे के साथ वाली सीट, एग्जैक्टली, आई डेलिबरेटली बुक दैट सीट। हाँ, वही सीट बुक की थी मैंने, जाते हुए वही ली थी, वापसी पे वो नहीं मिली थी। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, चलें अभी आपको दिखाते हैं, 5 मिनट है ना आपके पास। ओके, लेट मी शो यू हाउ आई बुक द सीट, ठीक। दिस इज द यूज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अच्छा, मैं गया जी कतर एयरवेज की वेबसाइट पे, ये कतर एयरवेज की वेबसाइट है, ब्राउजर बड़ा सुस्त हुआ आज मेरा। ओके, सो दिस इज, हाँ ट्रेन की भी होती है, एग्जैक्टली। अब तो ऑनलाइन बुकिंग बड़ी कॉमन हो चुकी है बेटा, दैट इज थ्रू। अब देखो ना, अगर इंटरनेट ना होता तो मैं कैसे बुक करता। चलिए, मेरी फ्लाइट क्या है, राउंड ट्रिप है मेरा, ठीक है, दैट्स माई राउंड ट्रिप। और एक मिनट, ये मुझे स्क्रॉल करने की इजाज़त दे तो मैं स्क्रॉल करूँ। अच्छा, राउंड ट्रिप के लिए फिर आप इसमें डेट्स देंगे। हाँ, डेबू की भी होती है, एग्जैक्टली, तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग। चलो, इन द मीन टाइम ये वापस आ जाएगा, ज़रा एक्टिव हो जाएगा मेरा ब्राउज़र। एनीवे, चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सिस्टम आर्किटेक्चर कहते हैं, आर्किटेक्चर का मतलब होता है फ्रेमवर्क। सिस्टम आर्किटेक्चर एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को विद प्रिंटर्स, विद स्टोरेज डिवाइसेस, एंड वी लिंक देम टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, एक लैब है, लैब में आपने कैसे कनेक्ट किया हुआ है सारे कंप्यूटर्स को, जिसका सिस्टम आर्किटेक्चर कहलाएगा। एक होता है सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर के अंदर सारी प्रोसेसिंग जो है वो सर्वर पे हो रही होती है, और टर्मिनल सिर्फ डेटा रिसीव कर रहे होते हैं शो करने के लिए। एक होता है डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, जिसके अंदर आप प्रोसेसिंग पावर को टर्मिनल्स को भी मुहैया कर देते हैं, हर टर्मिनल अपने अपने एंड पे डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। ये दोनों टाइप पेपर में आ चुकी हैं, याद है, आपने पढ़ा ही होंगी। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, स्टार नेटवर्क होता है, रिंग नेटवर्क होता है, बस नेटवर्क होता है। बस नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड है, रिंग नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है। जिस रिंग के पास, रिंग में जिस के पास टोकन होता है वो डिसीजन लेता है। स्टार नेटवर्क भी सेंट्रलाइज्ड है, ट्री नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है, यू सी। सो सम ऑफ दीज नेटवर्क्स आर सेंट्रलाइज्ड, सम ऑफ दीज आर डिसेंट्रलाइज्ड। ये भी डेफिनेशन आ चुकी है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में अब सिस्टम आर्किटेक्चर जो है, दैट इज इसकी एक किस्म है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। सिस्टम आर्किटेक्चर की एक किस्म है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, सिस्टम आर्किटेक्चर की। इसमें एक सर्वर होता है, सर्वर वो मेन मशीन है जो कि सारा फंक्शन परफॉर्म करती है, और एक क्लाइंट होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है। सर्वर्स कैन रेंज फ्रॉम टॉप एंड सुपर कंप्यूटर्स, सर्वर कैन बी अ सुपर कंप्यूटर, सर्वर कैन बी और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि मिनी कंप्यूटर के लेवल का होता है, जो सिंपल एक जगह पे फाइल हैंडलिंग कर रहा है। पेपर में क्वेश्चन आया था फाइल्स के 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स को बताएं। सर्वर को ऑपरेटर ऑपरेट करता है ना, हाँ, अगर सर्वर जैसे, हाँ एग्जैक्टली, सर्वर कैन इन इटसेल्फ बी कनेक्टेड टू लेट्स से अ मेन फ्रेम कंप्यूटर और अ सुपर कंप्यूटर। अगर सर्वर अपने आप में सुपर कंप्यूटर नहीं है तो सर्वर आगे कनेक्टेड होगा विद अ सुपर कंप्यूटर।
पेपर में क्वेश्चन आया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स क्या होते हैं, तो तीन सर्वर्स हैं, फाइल सर्वर्स जिसके थ्रू आप सारी फाइल्स को एक्सेस करते हैं, सर्वर फाइल्स होल्ड करता है और यूजर फाइल एक्सेस करता है, प्रिंट सर्वर्स होते हैं जिससे आप सारे प्रिंटर्स को एक्सेस करते हैं, गूगल जी मेल और हॉटमेल एक ई मेल सर्वर है, इसी नेटवर्क सर्वर्स के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और आप उसके ऊपर जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप एक नेटवर्क सर्वर के ऊपर जाता है, व्हाट्सएप वर्क्स ऑन ऑन द नेटवर्क सर्वर, ठीक है ना, सो दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी हैव लैन एंड वैन। लैन और वैन का डिफरेंस पेपर में दो दफा आ चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें आप एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, जैसे एक होम है या एक ऑफिस है या एक सिंगल बिल्डिंग है। लैन के फीचर्स क्या होते हैं, चूंकि लोकलाइज नेचर है डेटा ट्रांसफर स्पीड हाई होती है, टिपिकली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन और वन पर्सन, मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है, डेटा ट्रांसमिशन एरर्स चूंकि डेटा बहुत लिमिटेड डिस्टेंस पे जाना होता है, सिर्फ एक बिल्डिंग में डेटा ने जाना है तो डेटा ट्रांसमिशन एरर लेस होते हैं। वन लैन कैन बी कनेक्टेड टू अनदर लैन थ्रू रेडियो वेव्स और टेलीफोन लाइंस, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक का लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो दूसरे बैंक की लैन से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। वैन इज अ ब्रॉडर नेटवर्क, कवर्स अ ब्रॉड एरिया, इसे हम मेट्रोपोलिटन नेटवर्क भी कहते हैं, रीजन भी कहते हैं, इवन नेशनल बाउंड्रीज को भी अक्रॉस कर जाता है। नो नो नो, वैन इज नॉट इंटरनेट, नो नो, इंटरनेट तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है ना, यानी दुनिया में जितनी वैन्स पाई जाती हैं उन सबको हम इंटरनेट पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। वैन इज फॉर एग्जाम्पल एच बी एल, पूरे पाकिस्तान में एच बी एल की जितनी ब्रांचेज हैं वो सारी की सारी वैन से कनेक्ट होंगी आपस में। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि वो सारे कमर्शियल बैंक्स के साथ डेटा ट्रांसफर करे तो वो वैन के थ्रू कनेक्ट होगा, ठीक है। डेटा ट्रांसफर स्पीड लो होती है लैन के निस्बत, डेटा ट्रांसमिशन एरर्स हाई हो जाते हैं, वैन की ओनरशिप कलेक्टिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सेटअप कॉस्ट इज वेरी हाई क्योंकि ऑब्वियसली रिमोट एरियाज में आपने सेटअप करना होता है। इन कंट्रास्ट टू लैन डेटा ट्रांसमिशन एरर्स आर आल्सो हाई, हायर होते हैं। तो लैन और वैन का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको, ये सवाल भी पेपर में दो तीन दफा आ चुका है। यहाँ तक आपका मिड टर्म, या लाइन लगा ले 11 चैप्टर पे, यहाँ तक मिड टर्म में आना है आपका, ठीक है। और ये अभी तक जितना हमने पोर्शन पढ़ा है, आई प्रिज्यूम कि अगर आपने एग्जेम्पशंस ली हैं तो आपने ICS में ये टॉपिक पढ़े होंगे, अगर आपने AFC में IT का पेपर दिया है तो फिर आपने उसमें ये सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। बाद स्टूडेंट एग्जेम्पशन भी लेते हैं ना, एग्जेम्पशन भी मिल जाती हैं आपको, तो वो स्टूडेंट जो एग्जेम्पशन लेते हैं उन इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ICS में सब कुछ पढ़ा है, और जिन्होंने एग्जेम्पशन नहीं ली इट मीन्स कि उन्होंने IT में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। सो ये हमारा प्री मिड कॉन्टेंट कंक्लूड होता है यहाँ पे, वी कवर आर प्री मिड कोर्स अप टिल हियर, ठीक है। कल फिर हम क्लास कॉल ऑफ कर रहे हैं, टुमारो वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ क्लास। मिड टर्म की तैयारी करें, मेहनत करें। इन द मीन टाइम लाइक नेक्स्ट वीक में किसी दिन लाइक मंडे ट्यूजडे को मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा, मिशाल वुड बी ऑनलाइन, ठीक है, जो BMBS की सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होल्डर है, मेरी स्टूडेंट। आई हैव रिक्वेस्टेड हर के वो आके कुछ अपनी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करे आपके साथ कि उसने पेपर कैसे किया था, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो आई विल अनाउंस इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक, एंड देन वी कैन हैव अ क्विक मीटिंग ऑफ लाइक 10-20 मिनट्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म्स। इन द मीन टाइम मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, मैं जहाँ कहें वहाँ अवेलेबल हूँ। If you have any question, any query, WhatsApp पे question put करें and wait for my answer. I strongly recommend कि आप questioning करें WhatsApp पे ताकि दूसरे लोग भी उसमें आपको input दें और एक अच्छी debate, healthy debate initiate हो। जितनी अच्छी debate initiate करेंगे that would be very helpful for all of us. Okay? चलिए, see you tomorrow then. Not tomorrow, inshallah, see you now after your midterms now. Allah Hafiz.